हेलो दोस्तों, मैं हूं रविकांत दुबे, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो आज फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ, नई वीडियो लाए हैं आपके लिए हम। इसमें आपको जो है जो राखी की स्क्रिप्ट है उसे देने वाले हैं फ्री में, और ये बताएंगे कि आप किस तरीके से इसे एडिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको ऐड लगाने हैं, कहाँ कहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, जहाँ शेयर आई तो आपकी वेबसाइट है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक रार वाला जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन दोस्तों सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद डाउनलोड्स में चलेंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ आपको राखी फ्री रात मिल जाएगा, तो इसे ओपन करना है और इंडेक्स HTML पर क्लिक करना। और हाँ, आपको याद रखना है कि आपको ES फाइल एक्सप्लोरर ही डाउनलोड करना है, क्योंकि जो उसका ES नोट एडिटर है वो बहुत बढ़िया काम करता है, तो इसे डाउनलोड कर लें। जस्ट वन सर क्लिक करते हैं हम, तो ये ओपन हो जाती है दोस्तों। ये ओपन होने के बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको जो है ऐड लगाने हो, कहाँ अपनी जो है लिंक पेस्ट करनी है आपको अपनी। तो यहाँ फाइंड पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ सर्च करना है हैक APKX। तो यहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा हैक APKX। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है www. जो आपकी वेबसाइट है .com ये डाल देना है। तो इसे हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम फिर से आपको एक चीज़ और बता देते हैं। तो हम लगाएंगे एड्स अपनी इस स्क्रिप्ट में, तो हम यहाँ पर जाएंगे और फाइंड रिप्लेस पर सर्च करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लिखना है एड सर्व। ऐसा लिखने के बाद आपको सर्च करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है आपके सामने जो है यहाँ आ चुका है। तो आपको कहाँ तक ऐड लगाने हैं इस बात को बता दूँ, इस स्क्रिप्ट से लेकर इस स्क्रिप्ट तक आपको एक ऐड लगाना है जो कि बैनर ऐड, जिसका साइज होना चाहिए 300x50, ये याद रखना। और बाकी के ऐड जो दो जगह और हैं वहाँ आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो पहला वाला ऐड है यहाँ पर आपको 300x50 वाला ऐड लगाना है यहाँ से। और यहाँ इसके बाद ये आप और आप एडसेंस से ऐड लगाइए। मेरे पास एडसेंस अप्रूवल नहीं था, तो मैंने रेवेन्यू ऐड से ऐड लगाया है, तो आप रेवेन्यू ऐड से भी ऐड लगा सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ सर्च करें तो यहाँ ये सबसे पहला आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है एक यहाँ पर। तो आपको याद रखना है इस स्क्रिप्ट तक आपको अपना बैनर ऐड है जो पोस्ट करना है। तो ऐसे आप तीन जगह पर हैं और एक नीचे और मिल जाएगा आपको। तो यहाँ तीनों जगह पर आपको लगाना है स्क्रिप्ट पर अपनी ऐड, और यहाँ आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। और हम आप बताएंगे कि आप इसे कैसे पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको अब हमें इंटरनेट चालू कर लेना है। इंटरनेट के बाद हमको जाना है क्रोम ब्राउज़र में आपका जो ब्लॉगर है उसे आप खोल लेना है। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, ब्लॉगर मैंने खोल दिया है अपना। तो यहाँ आपको थीम पर क्लिक करना है याद से दोस्तों। थीम पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या करना है, मैंने इंटरफेस बताता हूँ कि आपका कैसा होने वाला है। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस होने वाला है दोस्तों, सादा नॉर्मल जैसे कि ये लगी हुई है। आपको एक दूसरी थीम चूज़ कर लेनी है और अप्लाई टू ब्लॉक कर देना है। और यहाँ पर आपको जाना है, नीचे लिखा है रिवर्ट टू क्लासिक थीम, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर ये नीचे लिख कर आ रहा है, तो यहाँ एक क्लिक करना है फिर। तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबको सिलेक्ट करने के बाद कैंसिल कर देना है, सबको यहाँ से हटा देना है। और फिर जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कर देना है। तो आपने पेस्ट कर दिया, और याद रखना जो नेविगेशन बार है आपका, ये चेंज नेविगेशन बार आपका ये ब्लू या फिर कुछ और हो सकता है, तो इसे आपको ऑफ ही रखना है। और यहाँ पर सेव थीम कर देना है आपको। सेव थीम के बाद आपकी जो थीम लग चुकी है दोस्तों। अब हम यहाँ पर जाएंगे, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पूछ रहा है कि आप अपना नाम डालिए। जैसे मैं रविकांत अपना नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ लिख के यार रविकांत दुबे विशिंग यू
यह एडवांस और यहाँ ऐड भी शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू ऐड के जो ऐड हैं ये शो कर रहे हैं और ये कुछ इस तरीके का। तो आप यहाँ शेयर ऑन व्हाट्सएप करके शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।